उज्जैन रेप कांड के बाद सवालों के घेरे में आई सरकार, कांग्रेस हुई हमलावर और उसके बाद फिर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। जी हां, इस पूरे मामले में जहां सवाल उठे कानून व्यवस्था पर, साथ ही साथ जिस तरीके की घिनौनी हरकत पीड़िता के साथ की गई, उसके बाद ये लगा कि सड़क पर चल रही महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अब उज्जैन पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। यही वजह है कि पहले आरोपी को पकड़ा गया और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा था इस पूरी के पूरी घटना में, जिसने झकझोड़ दिया था कि यहां मदद किसी ने नहीं की थी, उल्टा वीडियो बनाया जा रहा था और उसी वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे थे कि एक तरफ पीड़िता गुहार लगा रही थी और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। वही कुछ लोग जो वीडियो बनाने वाले में शामिल थे, उनमें से एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, धर दबोचा। और आगे भी पुलिस इस तरीके से, क्योंकि जिन्होंने भी इतनी घिनौनी हरकत को वायरल करने की कोशिश की है, यानी वीडियो बनाकर या किसी भी सोशल साइट पर वायरल किया है मुख्य आरोपी के अलावा, उन पर भी पुलिस एक्शन लेगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, चार तारीख को जो कोयला फाटक पे घटना हुई थी, उसमें जिस आरोपी ने उस घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया था, मोहम्मद सलीम, पिता यासीन शाह, उम्र 43 साल, प्रकाश नगर नागपुर, इसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके पास से इसका मोबाइल भी बरामद हुआ है, जिसमें वीडियो भी प्राप्त हुआ। जिस जिसको इसने ये वीडियो वायरल किया है, जिस जिसको भेजा है, उन सभी के बारे में भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। हमारी साइबर की टीम उसका एनालिसिस कर रही है और किसी षड्यंत्र के तहत या अगर किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत इसको वायरल किया गया तो उस एंगल पर भी हम लोग उसमें सभी तरह से जाँच कर रहे हैं। इसके विरुद्ध पृथक से धारा 72, 77, 294 भारतीय न्याय संहिता, IT एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के धारा 4 के तहत पृथक से मामला दर्ज किया है और जो जो लोग इसमें वायरल करने में शामिल हैं उन सभी के विरुद्ध ये कॉमन षड्यंत्र, कॉमन इंटेंशन के तहत सभी को इसमें आरोपी बनाया गया। कहां से पकड़ा है और ये करता क्या है? जी हां, अब पुलिस फुल एक्शन मोड में है उज्जैन रेप कांड के बाद। अकेले आरोपी नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तब भी हुई है, जैसे मैंने पहले बताया, कि सड़क पर इतनी घिनौनी वारदात के बाद किसी ने मदद नहीं की थी, उल्टा पीड़िता के साथ जो हुआ उसको सार्वजनिक करने की कोशिश जिन लोगों ने की, उन पर पुलिस की पैनी नजर है। क्योंकि घटना ने न केवल शहर को शर्मसार किया, पूरे प्रदेश को शर्मसार किया, देश में गूंजने लगा ये मुद्दा जिस तरीके का मामला सामने आया, क्योंकि उज्जैन के भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरीके की वारदात हुई थी और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों ने एक तरफ बेखौफी से वारदात की, वहीं दूसरी तरफ किसी ने मदद ना करते हुए उल्टा वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि इतनी बेखौफी और इतनी ज़्यादा संवेदनहीनता कैसे हो सकती है। यही वजह है कि अब पुलिस जो है फुल एक्शन मोड में है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ उन लोगों पर भी नज़र रखे हुए है जिन्होंने इस तरीके से घटना को लेकर सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से कुछ भी वायरल किया है, और पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। उज्जैन से आप तक खबर पहुंचाई है संदीप कुलश्रेष्ठ ने, आप देखते रहें MP तक।